नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी मोहब्बतों और चाहतों के साथ लियाकत नवाज मलिक प्रोग्राम मुलाकात में हाजिर खिदमत है। आज हमारे मेहमान जिनाक कल्चर सोसाइटी के सदर वकार और नजमुल साकिब साहब हैं। आज जिनसे बातचीत होगी हमारे साथ रहिएगा, शुक्रिया। सदर साहबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत खुशी हुई आप तशरीफ लाईं। शुक्रिया। साकिब साहब, नजमुल साकिब साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। इससे पहले कि हम बातचीत शुरू करें, सदर साहिबा आप ज़रा बताइए अपने मतलब, आप कब कनाडा आईं और आप इस तंजीम में कैसे शामिल हुईं? सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया हमें यहाँ अपने प्रोग्राम में इन्वाइट करने के लिए। अभी आपने मेरा नाम का तो तारुफ़ कराया, जैसे मेरा नाम सदफ़ वकार है और मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान से है और मैं यहाँ कनाडा में 2015 फरवरी में आई हूँ और बैक होम पाकिस्तान में मैं जिना हॉस्पिटल में लेक्चरर थी अपनी फील्ड में, ऑक्यूपेशनल थेरेपी डिपार्टमेंट में JPMC में। और यहाँ पर जब आई हूँ तो मैं जिना कल्चर सोसाइटी से मुंसलिक हो गई, तो ये जिना का जो वर्ड है ये मेरी ज़िंदगी में बड़े इम्पोर्टेंस रखता है। और एक्चुअली जिना कल्चर सोसाइटी ऑफ हैमिल्टन से मुंसलिक जब मैं हुई तो मुझे अपने ख़ुद के अपने प्रोफेशन में यहाँ एंट्री में भी बहुत हेल्प हुई है, क्योंकि ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मुख्तलिफ लेवल्स पे इमिग्रेंट्स को सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है कि वो जो ड्रीम्स और गोल्स लेके आते हैं अपने साथ, तो ये लोग बहुत हेल्प करते हैं नेटवर्किंग में और आगे भी गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं कि किस तरह हम वापस अपने प्रोफेशन में आएँ। और जो हम अपने गोल्स लेके आते हैं, हम प्रोफेशनल्स जो अपने गोल्स लेके आते हैं कि हमें आगे बढ़ना है, अपने पोस्ट प्रोफेशनल एजुकेशन को कंटिन्यू करना है, तो इसमें भी इन लोगों ने मेरी बहुत हेल्प की है। मैंने अपना यूनिवर्सिटी का प्रैक्टिकम इनके साथ किया जो कि बहुत सक्सेसफुल रहा और मैं जिना कल्चर सोसाइटी ऑफ हैमिल्टन की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ उसके लिए। जी नजम साहब जी, आप बताइए सर। लेखक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में हमें मधु किया और इट्स रियली एन ऑनर सिटिंग विद यू। वेरी ब्रीफली मैं अपना बताता हूँ कि बैक होम मैं एक रिटायर्ड नेवल ऑफिसर हूँ। 30 ईयर्स मेरी नेवी में सर्विस रही है, पाकिस्तान नेवी में। आफ्टर रिटायरमेंट इमिग्रेशन अ काइंड ऑफ, आप ये कह लें कि रिटायरमेंट प्लान अ पार्ट ऑफ, उस लिहाज से हमने आई अप्लाइड फॉर इमिग्रेशन एंड लकली आई गॉट इमिग्रेशन। सो इन 2015 आई केम हियर। तो दोनों एक साल में आए हैं? या बट आई केम इन ऑगस्ट, शी केम अर्ली। या फरवरी। या सो 2015 आई केम हियर एंड यहाँ पर मैंने कुछ क्वालिफिकेशन की है इंश्योरेंस में। प्रेजेंटली आई एम एसोसिएटेड विद सन लाइफ फाइनेंशियल और जिना के साथ मेरी इंट्रोडक्शन वेरी काइंड ऑफ मिस्टर तारिक अयूब, who is a very vibrant member of this society. Probably aapke kisi program mein wo zarur aayenge. Acha, inshallah, inshallah. So he's the person who introduced me with JCS. Aur yakeen mane, after joining JCSH, I find very good. Kyunki they are working with some aim. Ek maqsad hai, plus monetary fayda I don't see anything, and they are very focused people, totally focusing on how to groom the youth and totally focusing how to bring awareness among youth. Wo youth jo yahan par pale bade hain aur wo youth jo very young age pe yahan par aaye hain, to unko kis tarah Pakistan ko introduce karna hai uske liye ye Jina Culture Society kaam kar rahi hai और वेरी डेडिकेटली काम कर रही है। और ये देखें नजम साहब, जब हम पाकिस्तान से आए थे तो हमारी जो थी पहली नस्ल थी कनाडा में जी पाकिस्तानी, अब दूसरी नस्ल, तीसरी नस्ल भी शुरू हो चुकी है जी। अब बाज़ लोग जो हैं वो तो बिल्कुल पाकिस्तान को भूल चुके हैं, ऐसे लोग भी हैं जी, लेकिन ये हमारा काम है कि हम जो हमारी ये जो नस्ल है अगली, इसको हम पाकिस्तान के मुतालिक बताएं। या पाकिस्तान क्यों बना, क-
कैसे बना, कौन से अवामिल थे, अगर हम नहीं बताएंगे तो ये तो लॉस्ट हो जाएंगे, क्या कहते हैं आप? जी हाँ, आपने बहुत दैट्स व्हाई एक्चुअली इनिशियली यही चीज़ें हम वी फेल्ट जब यू मस्ट बी डूइंग, आप हम उससे पहले के आए हुए हैं, उस वक्त आपके बच्चे यंग होंगे और आप उस टाइम के, लेकिन जब बच्चे बड़े होना शुरू हो गए एंड दे आर लूजिंग देयर पास्ट, तो सडनली एक रियलाइजेशन आती है कि नहीं, पाकिस्तान के साथ इनको इंटीग्रेट करना बहुत ज़रूरी है। सदफ साहिबा, आप क्या कहती हैं कि जो हम तो देखते थे, मैं पिछले प्रोग्राम में गया जिना कल्चर सोसाइटी के लास्ट ईयर प्रोग्राम में गया, तो मैंने देखा हाल खचाखच भरा हुआ था और उस हाल में यूथ बहुत ज़्यादा थी, तो ये बहुत बड़ा काम है। तो आप ये मुझे ये बताइए कि ये जो अगराज़ो मकासद हैं, जब आपने ज्वाइन किया जिना कल्चर सोसाइटी को तो आपने इसके अगराज़ो मकासद तो देखे होंगे, तो क्या है एक्चुअली पूरा प्लान इनका? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जैसे नजम साकिब साहब ने अभी बताया कि ये जिना कल्चरल सोसाइटी ऑफ हैमिल्टन बहुत फोकस्ड है अपने एम्स के लिए, कि जो कि हमारे एम्स हैं कि अपनी यूथ को हमें इन्वॉल्व रखना है अपनी कम्युनिटी में, क्योंकि हम उनको उनमें ना तो सिर्फ लीडरशिप स्किल्स डेवलप करना चाहते हैं बल्कि उन्हें अपनी सोसाइटी का एक फ़ायदेमंद इंसान बनाना चाहते हैं, प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए जो है जिना कल्चर सोसाइटी बहुत फोकस्ड है कि हम अपने यूथ में अपनी कल्चरल वैल्यूज़ को इंस्टिल करें ताकि वो ज़्यादा इंटीग्रेट करें अपने सोसाइटी में, क्योंकि वही यूथ ही है जो हमें आगे लेके चलेंगे, पाकिस्तान की वैल्यूज़ को आगे लेके चलेंगे। और जैसे आपने कहा कि ये हॉल खचाखच भरा हुआ था, ये इसीलिए क्योंकि हमारे तमाम वॉलंटियर्स जो हैं इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत रीच आउट करते हैं कम्युनिटी को, अपने यूथ को इन्वॉल्व रखते हैं और उनमें डिवेलप करते हैं लीडरशिप स्किल्स ताकि वो आगे जाके मज़ीद इस चीज़ को आगे बढ़ाएँ और अपना मैसेज आगे बढ़ाएं और अपने कम्युनिटी को एक जगह पर इकट्ठा करें। निजम साहब, सवाल ये बनता है कि ये नाम है जिना कल्चर सोसाइटी ऑफ हैमिल्टन, जी ये सिर्फ जिना क्यों है? ये कायद आजम या पाकिस्तान कल्चर सोसाइटी क्यों नहीं है? लाख साहब, ट्रस्ट मी, आई रियली वांटेड टू आंसर दिस क्वेश्चन, और ये एक ऐसा वर्ड है जिसने मुझे जिना कल्चर सोसाइटी की तरफ अट्रैक्ट किया, और इसके पीछे एक बड़ी थीम है, एक ब्रेन स्टॉर्मिंग है। लोगों ने जब ये इस्टेब्लिश कर रहे थे उस वक्त मैं तो नहीं था, लेकिन बाद में व्हेन आई केम और मुझे इस एफर्ट ने JCSH की तरफ अट्रैक्ट किया। देखिए, हमने अपने यूथ को दो चीज़ों पे फाउंडेशन पे है ना ग्रूम करना, एक तो द लीडरशिप, और लीडरशिप के साथ पाकिस्तान का एक फैक्टर होना बहुत ज़रूरी है। जब हम लीडरशिप की बात करते हैं तो जिना का नाम एक ऐसा है जो कि अनमैचेबल, और पाकिस्तान क्योंकि इट इज़ हिज लीडरशिप जो उनकी जो रिज़ल्ट एज ए पाकिस्तान आया, तो इन दो वर्ड्स को हमने सामने रख के ना जिना कल्चरल सोसाइटी का नाम रखा है कि वी हैव टू गिव द मैसेज टू द यूथ। ये जिना कल्चरल सोसाइटी के पीछे जिस शख्स का या जिन अशख़ास का दिमाग है जिन्होंने ये स्टार्ट किया, जी जी, उनके मुतालिक भी कुछ बताइए कि ये कैसे स्टार्ट हुई, किसने स्टार्ट की? जी, जिना कल्चरल सोसाइटी इट इज़ इस्टेब्लिश इन 2010, और उस वक्त जो नाम मुझे अभी हैं और भी लोग होंगे जैसे नसीर मलिक साहब हैं, उस्मान खान साहब हैं, दे आर द पीपल, फिर हमारी यास्मीन साहिबा हैं और शुजा वो हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ, गालिबन शुजा उनका नाम, शुजा कुरैशी, जी जी, दे आर द पीपल जो कि इन्होंने इसके ऊपर काम किया, और जो ड्राइविंग फोर्स हैं उसमें ऑफ कोर्स हमारे नसीर साहब हैं, नसीर मलिक साहब और उस्मान खान साहब हैं, उन्होंने काफ़ी एफर्ट की, और नाजली खान ने भी, जी उनके साथ उनकी वो मिसेस नाजली साहब हैं, उन्होंने तारिक अयूब अनदर ही इज़ वेरी, उन्होंने काफ़ी उनकी कंट्रीब्यूशन है इसको इस JCSH को इस लेवल तक लाने का। तो अच्छा, अब जो सदफ साहिबा, ये जो प्रोग्राम हो रहा है, इस प्रोग्राम में आप
कहाँ पे प्रोग्राम कर रही हैं? वेस्ट हिल्स स्कूल में? यस, जी हाँ, ये वेस्ट हिल्स स्कूल में है ये प्रोग्राम। 23 मार्च को है और गालिबा 4:30 पे एंट्री है, हमारा प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। और अगर वहाँ पर एक सोशलाइजिंग अपॉर्चुनिटी भी हमने रखी है, जिसमें हमने वेंडर्स भी हैं और एक बाज़ार शो टाइप की चीज़ है जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है। वहाँ पर आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म के फूड स्टॉल नज़र आएंगे, नैंजोज़ होगा और हमारी लोकल जो बिजनेस हैं, स्मॉल बिजनेसेस हैं, हम उनको भी सपोर्ट कर रहे हैं और वहाँ पर वो लोग भी होंगे और आपको बहुत मज़ेदार पाकिस्तानी चटपटे खाने। तो ये जो प्रोग्राम जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जो स्टेज पे, जी ये कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हमारे प्रेसिडेंट, हमारी प्रेसिडेंट इस्मा खान, और इसके जो टीम है एडवाइजरी बोर्ड हमारा, वो बेसिकली इन्वॉल्व है इसके स्ट्रक्चर में। सदफ हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और यहीं से शुरू करते हैं। मुझे भूल जाता है, आप याद रखिएगा कहाँ से स्टार्ट करना। चलें, शुक्रिया। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। हम ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और दोबारा सदफ वकार साहबा और नजम साहब से बातचीत करते हैं। शुक्रिया। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। एक मरतबा फिर सदफ वकार साहिबा और नजमुल साकिब साहब के साथ। जी सदफ साहब, हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि हमारे जो स्टेज शो हमारा होने वाला है उसको कौन कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो इसमें हमने अपॉर्चुनिटी दी है अपनी यूथ को, हमने अपनी यूथ को आगे रखा है ताकि हम उनमें लीडरशिप स्किल्स बिल्ड हों और वो एडमिनिस्टर करें, एक हाई लेवल पे प्रोग्राम को एडमिनिस्टर करें। तो इसमें हमारे सबसे पहले तो यूथ में आती है हमारी इस्मा खान जो कि हमारी प्रेसिडेंट हैं। इसके अलावा हमारे वॉलंटियर्स मदीहा, ईमान और के नाम अभी इस वक्त मुझे याद नहीं आ रहे, मे बी के वो ये नाम ना इसलिए कि कोई भूल गया, हाँ तो फिर वो लड़ाई मसला हो जाएगा। ये जो चीज़ है हम फेंकते हैं, हाँ इनकी तरफ ये सवाल फेंकिए, इनकी तरफ फेंकते हैं। नजमुल साकिब साहब जी, आप बताइए स्ट्रक्चर क्या है। बिल्कुल, सदफ साहब ने काफ़ी हद तक बता दिया, मैं जस्ट दो चार चीज़ें ऐड करूँगा। देखिए, इस चीज़ को समझने के लिए दो चीज़ों का बहुत ज़रूरी है कि एक तो हमारा स्ट्रक्चर किस तरह का है और दूसरा हमारा मकसद क्या है। मकसद मैं आपको बता चुका हूँ कि हमने अपने यूथ को है ना ग्रूम करना है विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान। स्ट्रक्चर इसी हिसाब से हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रक्चर भी किया है। सो वेरी क्विकली मैं आपको बताऊँगा, वी हैव टू टीयर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वन जिसको हम एडवाइजरी बोर्ड कहते हैं, जिसमें हम एक्सपीरियंस लोग हैं और यू कैन से वेरी फ्रेंकली के ओल्ड लोग हैं। और दूसरा हमने बॉडी बनाई एग्जीक्यूटिव बॉडीज, जिसमें हमने तमाम अपॉइंटमेंट्स, तमाम जो है वो लोग यूथ मेम्बरान हैं, इसीलिए एग्जीक्यूटिव बॉडीज हमने उसको दे दी। द ब्यूटी ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज दैट के जो भी इवेंट हम कंडक्ट करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम प्लानिंग, गोइंग थ्रू द एग्जीक्यूशन एंड टिल कल्मिनेशन, ये पूरा प्रोसेस जो है ना, इट इज़ द यूथ और एग्जीक्यूटिव बॉडी कंडक्ट करता है। अच्छा, एडवाइजरी बोर्ड का रोल है टू सपोर्ट देम, टू मॉनिटर देम, टू एजुकेट देम, टू गाइड देम, क्योंकि हमारे पास अब बल्क ऑफ एक्सपर्टीज मौजूद हैं, ठीक है ना। और वो सपोर्ट हम हर फॉर्म में कर सकते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट हो गया, लाइक आई टोल्ड यू एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई गाइडेंस चाहिए वो हम देते हैं, एंड ऑल काइंड ऑफ सपोर्ट। देखिए नजम साहब, बात यह है कि जब मैं चूँकि पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी रहा हूँ पाकिस्तान में भी यहाँ भी, तो हमारे स्टडी सर्कल हुआ करते थे जिसमें हम महीने में एक दफ़ा कोई लेक्चरर, कोई प्रोफेसर आके हमें लेक्चर दिया करता था पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के मुतालिक पाकिस्तान। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा, देखिए ना, आप एक साल के बाद एक फंक्शन कर देते हैं वो 23 मार्च को, या फ्लैग रेजिंग सेरेमनी कर देते हैं 14 अगस्त को, ये दो प्रोग्राम हैं। तो क्या यूथ को अगर इन्वॉल्व करना है, और बता देखिए इस वक्त सिचुएशन ये है कि स्टीरियोटाइप चीज़ें सोशल मीडिया पे, जी इंटरनेट पे गलत चीज़ें जो पाकिस्तान के लोगों के मुतालिक बताई जाती हैं, लोगों के मुतालिक कहा जाता है, हमें एक्सट्रीमिस्ट कहा जाता है, लेकिन हमारे, जैसे आपने फरमाया कि हमारी कल्चरल वैल्यूज़ हैं, या
तो क्या ये नहीं हो सकता कि आप जैसे लोग या सदर वकार साहिबा जैसे लोग ये कोई ऐसा सर्कल बनाएं कि एक महीने के बाद किसी भी जगह पे यूथ के साथ बैठें, यूथ क्वेश्चन करें कि पाकिस्तान कैसे बना, पाकिस्तान के पीछे कितने लोगों की कुर्बानियां हैं, पाकिस्तान हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्या कहते हैं आप? जी, इट्स अ बहुत अच्छा आपने एक हमें रास्ता दिखाया है, डेफिनेटली भी हम इस पर काम करेंगे। इसी से रिलेटेड जो मौजूदा सेटअप में जो हम कर रहे हैं उसमें देखें, इट इज़ नॉट ओनली 23 मार्च जो हम करते हैं, 25 दिसंबर है जिना के हवाले से हम इवेंट करते हैं, उसमें एक सिटिंग हमारी होती है, 14 अगस्त है उसमें एक इवेंट होता है, मैं सिर्फ अभी पाकिस्तान रिलेटेड चीज़ें आपको बता जी जी, और उसमें हम ऐसा उसमें हम ये जो सिटिंग, ये जो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लर्निंग प्रोसेस वाला कोई ना कोई सेगमेंट ज़रूर रखते हैं। लाइक टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ दिस 23 मार्च में, इट इज़ नॉट ओनली कि हमने कल्चरल शो करना है या कोई हमने म्यूजिकल प्रोग्राम करना है, अवेयरनेस टुवर्ड्स पाकिस्तान का एक 2-3 सेगमेंट्स हमने रखे हैं इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन आंसर्स, कहूट वाला एक हमने उसमें रखा है जिसमें इट इज़ ऑल क्वेश्चंस आर अबाउट पाकिस्तान और नथिंग हाई फाई, वेरी बेसिक फाउंडेशन लेवल के क्वेश्चंस हैं ताकि सारों की पार्टिसिपेशन हो। सेकेंडली, देर आर नंबर ऑफ स्पीचेस बाई डिफरेंट पीपल, ठीक है, वो पाकिस्तान के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। अच्छा, लाइट साइड पे हम जाएँ तो वेरी लाइटली हम अपने कल्चरल डांस की वजह से लोगों को एजुकेट करेंगे अबाउट पाकिस्तान, मिल्ली नगमों के थ्रू पाकिस्तान के बारे में लोगों को एजुकेट करेंगे। तो ऑल दीज एफर्ट्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी आर इंट्रोड्यूसिंग टू द कम्युनिटी, टू द आर यूथ अबाउट पाकिस्तान, ठीक है। तो ये इस तरह का असर। आप सदफ साहबा, आप जो मैंने सवाल किया आपका कोई आइडिया इसके मतलब, जो मैं कह रहा हूँ कि हम जो बनाते थे स्टडी सर्कल बनाते थे और बैठते थे बातें करते थे और पाकिस्तान के मतलब, पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है, पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान क्यों बना, तो क्या ये हो सकता है कि हर 1-2 महीने के बाद ऐसे कोई दोस्त या और सिर्फ यूथ के लिए? क्योंकि अगर आप यूथ आम देखें, जो यूथ बैठा हुआ है आप उससे सवाल करें तो उसको मैं समझता हूँ कि उनको नहीं पता। मैं पाकिस्तान में मैं बास प्रोग्राम टीवी पे देख रहा होता हूँ और वो सवाल जब पाकिस्तान के मुतालिक करते हैं, वो अगर कायद आजम की तारीख पैदाइश पूछते हैं उनको नहीं मालूम होती जी। आप क्या कहते हैं? आप ये बिल्कुल बहुत अच्छा आपने हमें वो सजेशन दिया है कि हमें ज़रूरी है कि हम अपने अपने यूथ को अपने पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में बताएं, और क्योंकि इसी तरह सीना बसीना ही रिवायत को आगे मुंतकिल किया जाता है। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई है कि हम ज़रूर इस बारे में सोचेंगे और हर 2-3 महीने में एक ऐसी सिटिंग हम अरेंज करेंगे। लेकिन आपका जब ये आप तशरीफ़ लाएं यहाँ पे, आप नई थी, जब हम आए थे तो हमारे पास कोई गाइडेंस नहीं थी, अब आप आई हैं तो आपके पास गाइडेंस भी थी, लोग भी थे जिन्होंने आपको गाइड किया और आप तो आपका कोई वसीला बना जी। अब आप भी किसी का वसीला बने हैं जी, बिल्कुल ठीक है। तो देखिए जी, पाकिस्तान जो है हम सबका है जी, पाकिस्तान किसी एक शख्स का या एक पार्टी का या एक जमात का या एक मसलक का नहीं है, पाकिस्तान हम सब का है। और पाकिस्तान जब बना है, देखिए आप उन लोगों से पूछें जिनके पास मुल्क नहीं है, हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं पाकिस्तान को, लेकिन खुदा ना खास्ता हमें यहाँ कुछ होता है ना तो हमें जो गोद में लेगा वो पाकिस्तान होगा। क्या कहते हैं, आपने बड़े लोगों को सुना होगा जी, चलो जी छोड़ो जी पाकिस्तान जी करप्ट मुल्क है, मुल्क का कसूर नहीं है जी, ये हमारा कसूर है, हमने पाकिस्तान को गंदा किया है। पाकिस्तान गंदा नहीं था, हमें अच्छे मौसम मिले, अच्छे लोग मिले, हमारी वैल्यूज़ हैं, हमारे कल्चर है जी, बिल्कुल हमने उसको तबाह किया। क्या कहती हैं आप सदर साहब? बहुत आपकी बातें सुन के मेरे जो है रोंगटे खड़े हो रहे हैं इस वक्त, क्योंकि आप यू साउंड्स लाइक वेरी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, जो कि ये बहुत ज़बरदस्त बात है।
मैं तो चाहूंगी कि आपको भी इनवाइट करूं अपने 23 मार्च के इवेंट में एज ए स्पीकर, कि आप जबरदस्त किस्म की स्पीच दें और जो है सबके दिलों में ये जज्बा, पाकिस्तानी मुहिब वतन होने का जज्बा पैदा करें। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि यू नो एक शमा से ही शमा जलती है, इसी तरह ये पैगाम फैलता है। ये बहुत अच्छी आपकी गुफ्तगू सुन के भी मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। देखिए हम तो जब हम पाकिस्तान से आए थे तो पाकिस्तान की आबादी जो थी 4.5 करोड़ थी, आज 20 करोड़, 22 करोड़, आज 20-22 करोड़ हो चुकी है। इलाका वही है, ज़मीनें वही हैं, लोगों ने बड़ी बड़ी कोठियां बना ली हैं और सरसब्ज ज़मीनों पे कोठियां बना ली हैं जी मैम, ठीक है। अब उस पाकिस्तान में देखिए हम बाहर बैठे हुए लोग हैं ना, आप यूं भी कर सकते हैं कि हमें पाकिस्तान में जो हमारा हक है, हमें देखिए कैनेडा में रहते हुए मुझे, मैं प्राइम मिनिस्टर बन सकता हूं, मैं इलेक्शन लड़ सकता हूं, और ओवरसीज पाकिस्तानी जो यहां पे बैठे हुए हैं जी उनको हक नहीं है पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ने का। सही, जब पैसे लेने की बात आती है, कोई फंड लेने की बात आती है, ओवरसीज पाकिस्तानी को ढूंढते हैं। क्या कहते हैं आप सदर साहब? बिल्कुल सही आपने सवाल किया है। इस बारे में हमारी सारी कौम को पता है इसके बारे में, ठीक है, तो इस बारे में मैं कुछ और ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी। लेकिन जो आपने बात फंड रेजिंग की है उसके हवाले से मैं जिना कल्चर सोसाइटी ऑफ हैमिल्टन की एफर्ट्स के बारे में बताना चाहूँगी कि ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फ़ंड रेजिंग में बहुत आगे होती है। पिछले साल हमने रिकॉर्ड फंड रेजिंग की है हैमिल्टन हेल्थ साइंसेज के लिए, आपको भी मालूम होगा इसके बारे में, और हम इस बहुत अच्छा फील करते हैं कि एज ए पाकिस्तानी हमने भी अपनी कम्युनिटी के हवाले से कुछ कंट्रीब्यूशन दी है। तो ये नहीं, मैंने बात इसलिए की है कि आप देखें ऑर्गेनाइजेशन है, जब कोई पाकिस्तान की डिग्निटरीज आती हैं, जो गवर्नमेंट के लोग आते हैं, उनके सामने आप बात जब रखते हैं कि जी देखें ये है कि हम किस लिए कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए, जी बिल्कुल, जो कुछ भी कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, हमारा कोई ज़ाती मफाद नहीं है। अब हमने जो गुजारनी थी गुजार ली, आंदा आने वाली नस्लों के लिए जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनको हिस्सा दीजिए, उनके साथ बैठिए, क्योंकि हम कोई ऐसा दिन नहीं होता जिस दिन हमने पाकिस्तान को याद ना किया हो। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं लाहौर गया, लाहौर में मैं अपने दोस्त की गाड़ी में बैठा था तो मैंने अखबार उठाया तो अखबार में ये लिखा था, हेडलाइन थी लाहौर रेलवे स्टेशन पे धमाका, 25 शहीद और इतने जख्मी। तो मैंने अपने दोस्त से कहा, यार आज़म, अब लाहौर की बात है, आज़म यार ये क्यों है, ये धमाका है? कहता किधर? मैंने कहा यार लाहौर में। कहता मलक हम पे तो कोई न्यूक्लियर फेंकेगा तब हमें पता चलेगा, हमें पता नहीं चलता। हम यहाँ पे पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर रहते हुए हम हर वक्त पाकिस्तान के मुतालिक सोचते हैं। आप भी जो प्रोग्राम कर रही हैं, या जो उस्मान अली प्रोग्राम कर रहे हैं, या नाजली कर रही हैं, या आप कर रहे हैं, या नजम भाई, ये पाकिस्तान की मोहब्बत में है, ठीक है ना। मेरे बात करने का ये मतलब नहीं, कोई पॉलिटिकल मतलब नहीं है, लेकिन चूंकि हम पाकिस्तानी हैं हमने मिल बैठ के आपस में बातें करनी है, अपने मसाइल पर बात करनी है। क्या कहते हैं जी लियाकत साहब? अच्छा अभी रुक जाइए, खांसी भी आपको आ गई, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खांसी कर लें और उसके बाद फिर बात करें। ठीक ठीक, नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद दोबारा सदर वकार साहिबा से और नजमुल साकिब साहब से बातचीत होगी। शुक्रिया। नाज़रीन बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ रहे। इस प्रोग्राम के मुतालिक हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा, अगर हमसे कोई कोताही, कोई गुस्ताखी, कोई चीज़ हो गई है तो हमें माफ़ फरमाइएगा। एक मरतबा फिर सदर वकार साहिबा से और नजमुल साकिब साहब से बातचीत होगी। शुक्रिया जी। जी लियाकत साहब जी, इस ये जो सवाल, थोड़ा सा मैं ज़्यादा टाइम लूँगा, प्लीज़ मुझे जी जी कीजिएगा, क्योंकि आई विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। देखें जो पाकिस्तान को अगर आप थोड़ा सा देखें सिंस इंसेप्शन टिल टू डेट, अगर कोई फैक्टर है पाकिस्तान के
एग्जिस्टेंस को कायम रखने में, या अगर कोई फैक्टर है पाकिस्तान को प्रोग्रेस कराने में, एक बड़ा, और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन एक बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है, वो है हमारी नेशनलिज्म। बिल्कुल। केस इन पॉइंट, किसी, अगेन टेक एन एग्जाम्पल फ्रॉम 1947 टिल टू डेट, बहुत सारे अप एंड डाउन पाकिस्तान के इसमें आया है, लेकिन अभी जब भी देख रहे जी तो, अभी भी देख रहे हैं, लेकिन जब भी पाकिस्तान की बात होती है तो एवरीबडी मतलब पॉलिटिकल डिफरेंसेस के अलावा रिलीजियस डिफरेंसेस को साइड पे रख के, कम्युनल डिफरेंसेस को एक तरफ करके, इलाकाई जो डिफरेंस है सबको साइड पे करके, दे आर ऑन द सेम पेज। बिल्कुल। और हमेशा ये रहा है, ये मैं मतलब कोई सियासी वो नारा या कुछ तरह की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जस्ट गो थ्रू द हिस्ट्री, इट इज ऑलवेज देयर। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। केस इन पॉइंट, वेरी रिसेंटली जो अभी जो इंसिडेंट हुआ है उसमें हमने सब कुछ भुला दिया और सिर्फ पाकिस्तान के लिए ये किया। अच्छा, दूसरा फैक्टर, अल्लाह ने मुझे मौका दिया है, नॉट ओनली इन कैनेडा, इससे पहले भी मैं दूसरे कंट्रीज़ में एज ए रेजिडेंट रहा हूँ, तो आई फेल्ट वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम पाकिस्तान से बाहर जाते हैं ना, तो हमारी जो नेशनलिज्म वाला जो फैक्टर है वो मल्टीप्लाइंग इफेक्ट के साथ बढ़ जाता है। और हम एक बड़े ना क्रिटिकल हो जाते हैं पाकिस्तान के मुतालिक, सेंसिटिव जी, सेंसिटिव हो जाते हैं, इट्स अ गुड वर्ड, या सेंसिटिव हो जाते हैं, और बड़े माइन्यूटली हम एक एक चीज़ है ना ऑब्जर्व करते हैं, थोड़ा सा मतलब 50 सेंट्स पाकिस्तान के रुपए में कमी बेशी हो जाती तो वो हमें बड़ी हर्ट करती है, कोई एक इंसिडेंट, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, या कोई रेलवे ट्रेन ट्रैक से साइड पे हो जाए तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा खबर, बहुत बड़ी खबर बन जाती है, और हम है ना बड़े उसको फॉलो करते हैं। लाइक ये जो अभी इंसिडेंट हुआ था, समबडी कॉल्ड मी एट रादर तारिक कॉल्ड मी एट 3 AM एट नाइट के मुझे जगाया उसने कि वेक अप, स्विच ऑन द टीवी, देखो क्या हुआ है, एंड फिर हम सारी रात जागते रहे, टीवी देखते रहे। इट इज़ बिकॉज ऑफ द नेशनलिज्म, और हमें ना बड़ा फील होता है कि पाकिस्तान कोई अच्छा काम करता है तो बहुत खुश होते हैं, हम प्रमोट करते हैं। बाकी जो दूसरी चीज़ें, ऑफकोर्स ह्यूमन बींग हैं, कुछ हमारे अपने सेटअप में ना कमज़ोरियाँ हैं, बहुत कमज़ोरियाँ हैं, एग्रीड, तो उसकी वजह से कुछ खराबियाँ भी पैदा होती हैं। तो द गुड पॉइंट ये कि अल्लाह करे हमारे नेशनलिज्म इसी तरह कायम और दायम रहे और पाकिस्तान मजबूत से मजबूत कर। देखे ना, इसीलिए मैंने देखे ना, जब हम बैठते हैं आपस में पाकिस्तान के मुतालिक, मैंने जब कहा कि आप 23 मार्च को बैठते हैं, आपने 25 दिसंबर का कहा, तो हम रेगुलरली बैठें, रेगुलरली बातें करें, जो मेरे दिल में बातें हैं मैं निकालूं, आप मुझे सेटिस्फाई करें, आपके दिल में कोई बात है मैं, तो इस तरह बैठने से जो हमारे जहन हैं ये ज़्यादा काम करेंगे पाकिस्तान के मुतालिक। ठीक है जी, मैंने शुरू से ये कहा है कि पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान है तो सियासत है जी, बिल्कुल, पाकिस्तान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बहरहाल बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब सदर साहिबा आप ये बताइए कि ये जो प्रोग्राम हो रहा है इसमें म्यूज़िक प्रोग्राम भी है, और म्यूज़िक प्रोग्राम का कौन आ रहा है और चलेगा? ये तो एक सरप्राइज है कि कौन आ रहा है, क्योंकि ये मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगी, लेकिन डेफिनेटली एक पाकिस्तानी नेशनल सिंगर आ रहे हैं जो कि यहाँ कनाडा में बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, और हम सब लोग उनको बहुत पसंद करते हैं, उनकी आवाज़ को बहुत सराहते हैं। यार, आपने सिंगर मशहूर, मैं इतना मशहूर सिंगर मेरा तो नाम ही नहीं है, है? नहीं, आप VIPs भी होंगे ना, आप चीफ गेस्ट। नहीं यार, सिंगर है ना यार, वो तो नहीं, नहीं है। आप अगर हमें इसका मौका दें तो हम जरूर आपको भी मौका देंगे। ये नसीम खान साहब को मालूम है? अच्छा। मैं, हम तो जो होता थे प्रोग्राम में जी पाकिस्तान के, हम गाते थे सोनी धरती और ये जो नगमे होते थे, जी ये होता था हमारा प्रोग्राम, बड़ा अच्छा। तो और क्या कल्चरल चीज़ें हो रही हैं इसके अलावा? हमारे यहाँ छोटे बच्चों को भी हम इन्वॉल्व कर रहे हैं इसमें कि वो एक परफॉर्मेंस शो करें पाकिस्तानी मिले नगमे पे भी, और पाकिस्तानी सॉन्ग्स पे, जो कि आप
जब आप देखेंगे तो फिर आप उसको कितना दिल से महसूस करेंगे। हमारी पाकिस्तानी कुछ बच्चे जो यहीं के पैदाइश हैं और जो कि उर्दू को नहीं इतनी समझ पाते, उन्होंने कितनी ज़्यादा एफर्ट की है इस मतलब उर्दू को समझने में, इस मिली नगमे को समझने में और परफॉर्मेंस करने में। तो इसमें हमारी वॉलंटियर्स का और हमारे एग्जीक्यूटिव बॉडी का बहुत रोल है। जैसे कि हमारी इस प्रोग्राम को स्पेशली नाज़ली खान लीड कर रही हैं और अच्छा। मैं उनको असिस्ट कर रही हूँ उसमें एज ए वॉलंटियर डायरेक्टर। वो हैं? हाँ जी हाँ, वो अच्छा। उन्होंने बनाया प्रोग्राम और उनके साथ जो हैं वो सुम्बुल हैं, सुम्बुल खान हैं, जो कि इसमें उनको असिस्ट कर रही हैं बच्चों के प्रोग्राम में, बच्चों की तैयारी में। और पिछले हफ्ते हम लोग बहुत ज़्यादा बिजी थे बच्चों को जो है प्रैक्टिस में, जो कि हम अपने प्रोग्राम में पेश करेंगे। और आप देख के हैरान हो जाएंगे इन छोटे छोटे बच्चों को कि वो कितने खूबसूरत लग रहे हैं अब हमारे पाकिस्तानी मिली नगमों पे परफॉर्मेंस। ये अभी आपने एक बात की मैंने नोट की कि जो बच्चे पाकिस्तानी बच्चे जिनको उर्दू का मालूम नहीं है, ये बहुत बड़ी एक हमारी कमज़ोरी है जी। क्योंकि जब यही बच्चे आप पाकिस्तान लेके जाती हैं तो उन आपकी वालदा या आपकी नानी या आपकी दादी उन बच्चों के साथ बात करते हुए वो बहुत कुछ मिस करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और यही तो जिना कल्चर सोसाइटी ऑफ हैमिल्टन की खूबसूरती है कि ये हमें एक प्लेटफॉर्म देता है कि हम बच्चों को एक्टिवली इंगेज करें। वैसे अगर आप उनको सिखाना चाहेंगे तो इट्स रियली हार्ड, लेकिन अब वो खुद से सीख रहे हैं, खुद से पुरजोश हैं सीखने के लिए। खुद वो एक्सेंट उर्दू एक्सेंट लाना चाह रहे हैं क्योंकि मुश्किल है, लेकिन बहरहाल वो बहुत कोशिश करें। तो ये तो ब्यूटी है जिना कल्चर ऑफ सोसाइटी की कि वो हमें ये प्लेटफॉर्म देता है कि हम अपने बच्चों को लाएँ और वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूँगा, मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरह आपने कहा कि उर्दू इज़ डिप्लीटिंग इन आर जो यंग यूथ जो यहाँ पे ग्रूम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों, एक तो उर्दू की कमी भी हो रही है तो दूसरी तरफ उर्दू को इंट्रोड्यूस और हमारा ज़िंदगी में लाने की एफर्ट भी हो रही है। मेरा अपना तजुर्बा है केस इन पॉइंट, लास्ट ईयर जब बच्चों की छुट्टियाँ हुई थी, मेरी बेटी है ग्रेड फोर में थी, समर कैंप में जब हमने देखा कि इसको समर कैंप में डालना, तो एक समर कैंप में हमारे पाकिस्तानियों की खातून है, उन्होंने रखा हुआ था उर्दू क्लासेस का पूरा सेशन। अच्छा, तो वो एक एफर्ट भी साथ साथ जारी है कि हम वो पाकिस्तानी और उर्दू हमारी लैंग्वेज उसको भी हम कायम और दायम रखें। तो इट्स अ गुड साइन। ये बहुत ज़रूरी है जी, उर्दू जो है हमारी कौमी ज़बान है। और यहाँ पे बड़े हमारे उर्दू अदब से ताल्लुक़ रखने वाले शोरा दानश्वर यहाँ पे मौजूद हैं, बच्चों के साथ आप प्रोग्राम करें और उनको बुलाएं। तो अगर हमारी कोई सपोर्ट चाहिए आपको, हम उनको भी, हमारे यहाँ इशफाक हुसैन साहब हैं, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हैं, शायर हैं अच्छा, पाकिस्तान के, और बड़े किताबें उन्होंने उनकी लिखी हैं, तो उनको भी बुला सकते हैं। और हमारे लोग हैं यहाँ पे जो आपके पास आके बैठ के बातचीत कर सकते हैं। बहरहाल ये किस वक्त प्रोग्राम शुरू होने वाला है? 4:30 बजे? हाँ, वैसे स्टेज प्रोग्राम परफॉर्मेंस तो 4:30 बजे शुरू होगी, लेकिन उससे पहले जो सोशलाइजिंग अपॉर्चुनिटी है वो हम 3:30 पे ही शुरू करने वाले हैं कि लोग आएँ और बाज़ार, हमारा बाज़ार देखें। हमारा बाज़ार कौन सा? वो जो खाने पीने वाला? हाँ जी, हमारा खाने पीने का और हमारे जो दूसरे जो पाकिस्तानी मलबूसात हैं वो देखें और अच्छा। कुछ शॉपिंग करें। हाँ, ये मलबूसात जो हैं ये मैंने देखा है हर प्रोग्राम में कि सिर्फ लेडी से क्यों होते हैं मर्दाना? क्योंकि आप लोग तो माशाल्लाह एक दो जोड़े पे ही कनात कर जाते हैं या हमें एक दो जोड़े ही आप खरीदने देती हैं? ये सही बात है। जी जी, ठीक कह रहा है ना जी जी। नजम भाई के दिल को ये बात लगी है, लगी है। और नजम भाई, और कुछ आप इसमें ऐड करना चाहते हैं? जी, मेरे ख्याल में सामीन को थोड़ा सा मैं बता दूं, नाज़रीन को थोड़ा सा बता दें कि हमारा जो फॉर्मेट क्या है। देखिए, हमने ना दो पोर्शंस
अपने इस इवेंट का रखा है, एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पोर्शन है। अच्छा, अभी इधर रुकिएगा, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जी जी इसी पे बात करते हैं, फिर आपसे पैगाम भी लेते हैं। श्योर, ठीक है। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। एक मरतबा फिर ब्रेक पे जाते हैं और ब्रेक के बाद वापस आके सदा वकार साहिबा से और नजमुल साकिब साहब से बातचीत करते हैं। शुक्रिया। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। एक मरतबा फिर सदा वकार साहिबा और नजमुल साकिब साहब के साथ। जी जी, हाँ, मैं ये कह रहा था कि नाज़रीन को मैं थोड़ा सा बता दूं कि हमारा इस 23 मार्च इवेंट का फॉर्मेट किस तरह का है। बेसिकली दो हमने सेटअप रखा है, दो, एक तो ऑडिटोरियम वाला है, दूसरा मार्केटिंग है। देखिए, यू नो JCSH इज़ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। हम जो भी इवेंट करते हैं उससे पहले एक भरपूर है ना, हम एक मुहिम चलाते हैं जिसमें हम स्पॉन्सरशिप लेते हैं, ठीक है, और फिर एक छोटे से अमाउंट हम जनरेट करते हैं थ्रू टिकट सेल। अच्छा, स्पॉन्सरशिप भी हम ऐसे नहीं वन साइडेड रखते, बल्कि उस इस इवेंट को में हम स्पॉन्सर्स को अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो प्लीज़ आएँ, अपना स्टॉल लगाएं और अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें। उसके लिए हमने एक मार्केट प्लेस रखा है। फिर इतनी बड़ी कम्युनिटी को हम बुला रहे हैं, अबाउट 600 to 800 के करीब लोग आएंगे, तो उनके लिए हमने एक खाने पीने का भी एक अरेंजमेंट रखा है जो कि मार्केट प्लेस के एक पोर्शन में है, जिसको हम वेंडर एरिया कहते हैं, ताकि ब्रेक में लोग आएँ और इंटरटेन करें विद द फूड्स, जिसमें नैंडोज़ हैं, जिसमें हमारे जो कॉन्टिनेंटल फूड्स हैं, जो देसी फूड है वो है, और स्नैक्स वगैरह सब कुछ। मैं आपको एक बात इसमें रोकता हूँ, मेरे लाहौर में एक दोस्त थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, तो मैकडॉनल्ड खुला वहाँ पे, तो वो मुझे कहने लगे यार मैकडॉनल्ड खुला है पंजाबी में, तो मैंने कहा चलो यार चलते हैं, तो चले गए। तो माशाल्लाह उनकी बड़ा जिस्म था, पहलवान टाइप थे वो, उन्होंने 3-4 जो बिग मैक खाए, और मतलब उसके ऊपर मैंने एक लिया खाया, बाहर निकले तो कहने लगे मलक मुंडा से रोटी कैसे खानी है। तो सर ये जो नैंडोज वगैरह हैं जी, देसी की बात करें, नैंडोज तो खा देंगे लोग जी। हमारी एक बड़ी कम्युनिटी की एक लेडी हैं माशाल्लाह, वो अपना स्टॉल लगा रही है जो कि देसी खाने, जिसमें बिरयानी और ये इस तरह की चीजें, यानी कि नैंडोज के बाद रोटी छोटी का भी बंदोबस्त फिक्र करने की जरूरत है, दही भले वगैरह भी हैं और इस तरह की चीजें हैं, पिज्जा भी है, मतलब दोनों हमने वर्जन रखा है, तो पीपल विल एंजॉय, मतलब हर किस्म के लोग जिनकी कैसी भी फूड एपेटाइट है वो जरूर सेटिस्फाई होंगे इंशाल्लाह। और अच्छा, स्पॉन्सरशिप्स को हमने फैसिलिटेट किया है कि अराउंड में ख्याल में अब तक जो है वी विल बी एबल टू गिव अ स्टॉल ऑफ अबाउट 30-40 स्टॉल्स हम देंगे अपने स्पॉन्सर्स को, वो वहाँ पर अपना प्रोडक्ट को प्रमोट करें। और हमने और जो फॉर्मेट भी इस तरह रखा है कि जब लोग आना शुरू हों तो दे विल गो फर्स्ट टूवर्ड्स मार्केट प्लेस, वहाँ पे थोड़ा सा देख लें और प्रोडक्ट्स वगैरह उनकी इंट्रोडक्शन हो जाएगी, लोगों से इंट्रोडक्शन हो जाएगी, और उसके बाद फेज टू हमारा जो ऑडिटोरियम है, जो मेन इवेंट है, वो शुरू होगा। दैट्स वाई 3 बजे हम स्टार्ट करेंगे, 4:30, 4:45 हमने फिर ऑडिटोरियम का प्रोग्राम शुरू करना है, सोशलाइजेशन फॉलोड बाय ऑडिटोरियम। अच्छा, सदफ़ साहबा, हमारे नाज़रीन को आप कोई मैसेज देना चाहती हैं, आप कोई रिक्वेस्ट करना चाहती हैं, कोई हुक्म देना चाहती हैं, तो प्लेटफॉर्म हाजिर है। हुक्म तो नहीं, एक गुजारिश करना चाहती हूँ अपनी कम्युनिटी को, स्पेशली पाकिस्तानी कम्युनिटी को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हम लोग ये सब एफर्ट कर रहे हैं कि हमारी यूथ इन्वॉल्व हो, हमारी यूथ जो है वो लीडरशिप में आए और इस तरह के इवेंट को ऑर्गेनाइज कराए फ्यूचर में। इसके लिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और हमें सपोर्ट करें और हमारे इवेंट में आए, और ख़ुद भी आप देखेंगे कि जब आप वहाँ पर मौजूद होंगे तो आपको महसूस होगा कि ये आपने बहुत अच्छा फ़ैसला किया यहाँ आने के लिए, क्योंकि ये एक इवेंट है जो हर एज ग्रुप के लिए, बच्चे भी इसमें इंजॉय करेंगे, बड़े बूढ़े सब। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि तमाम फैमिली मेम्बर्स अपने बुज़ुर्गों को भी लेके आइए, अपने बच्चों को भी, जवानों को भी, एवरी एज ग्रुप को,
और आके यहाँ हमें भी सपोर्ट कीजिए और आप खुद भी इंजॉय कीजिए। ये लोकेशन भी बता दें और टाइम भी बता दें। तो ऑफिशियली इसका टाइम तो 3:30 से ये स्टार्ट होगा। पहले हमारा सोशलाइजिंग इवेंट, सोशलाइजिंग अपॉर्चुनिटी हमने रखी है, जो कि एक बाज़ार की सूरत में है, जिसमें आपको मज़े के खाने टेस्ट करने का मौका मिलेगा और साथ में मुख्तलिफ़ किस्म के वेंडर्स भी होंगे जो अपनी प्रोडक्ट को शोकेस करेंगे। और इसके अलावा ख़वातीन के लिए एंटरटेनमेंट एक ही। और ये कहाँ पे है ये स्कूल? किस ये जो है वेस्टडेल स्कूल है। इसका एग्जैक्ट एड्रेस जो है वो हमारी टिकट्स पे भी लिखा हुआ है, लेकिन एग्जैक्ट एड्रेस तो मुझे भी याद नहीं है, बट इट इज़ अ वेस्टडेल स्कूल ऑन मेन स्ट्रीट। मेन स्ट्रीट लैंग समथिंग जी बेला सॉरी जी इट्स ऑन अ मेन स्ट्रीट व्हेन यू गो टुवर्ड्स द मैकमास्टर यूनिवर्सिटी जी जी तो राइट साइड पे आता है जी जी वो हम अपने प्रोग्राम में उसका एड्रेस लिख देंगे जी 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 बता देंगे जी जी जी। आप कोई मैसेज देना चाहते हैं? जी हाँ, मैं अपने नाज़रीन को मैसेज भी देना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ और शुक्रगुजार भी होना चाहता हूँ। मैसेज तो ये है कि प्लीज़ दिस इज़ अ पाकिस्तान इवेंट, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें किसी भी फॉर्म में इन टर्म्स ऑफ स्पॉन्सरशिप और वहाँ पे इन टर्म्स ऑफ विजिटिंग द प्लेस, वहाँ पे ऑडियंस में आप आएँ और उसको देखें। और कुछ नहीं तो कम अज़ कम टू गिव लाइक आई सेड इन द बिगिनिंग, दिस इज़ ऑल वी आर डूइंग फॉर आवर यूथ। प्लीज़ डू कम फॉर इनकरेजमेंट ऑफ योर यूथ, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, पार्टिसिपेशन आप एज एन स्पॉन्सरशिप भी कर सकते हैं, उसके लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर है 2897005162। तारिक अयूब हैं, उनका नंबर भी है 2892378553, उनसे आप रब्ता कर सकते हैं फॉर स्पॉन्सरशिप। अच्छा, तीसरी चीज़ ये है कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप जब आप आएंगे तो मैंने कहा कि टिकट्स भी हमने ना बड़े नॉमिनल रखा है, $10 फॉर स्टूडेंट्स एंड $15 फॉर एडल्ट्स। अगेन इस टिकट्स फॉर्मेट में भी आपने देखा होगा कि यूथ वाला फैक्टर हमने रखा है, हमने कंसिडर किया। लेकिन अगर तालीम बालगा वाला कोई हो इस तरह तो मुश्किल चले उनको हम डिस्काउंट दे देंगे क्योंकि वो इस एज में इतनी एफर्ट कर रहे हैं तो वी शुड सपोर्ट लाजमी जी जी बिल्कुल। अच्छा बिल्कुल, लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट, सो फार हमारी जो कम्युनिटी है दी सपोर्ट इज़ वेरी इनकरेजमेंट। एक बहुत बड़ा फैक्ट पोर्शन है वॉलंटियर्स का हमारा, जो इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने में ऑलवेज अहम रोल अदा किया है। मेरे पास स्कूल से कॉलें आई हैं, मेरे पास पेरेंट्स की कॉल्स आई हैं और एंड पे हमने उनसे ना माजरत की है कि देखें वॉलंटियर्स इज़ ओवर बट वी हैव नोटेड ऑन योर नंबर्स एंड वी विल कॉन्टेक्ट यू इन नेक्स्ट इवेंट। सो आई थैंक यू ऑल दोज पेरेंट्स माई कम्युनिटी जिन्होंने इस तरह भरपूर है ना पार्टिसिपेट किया और हमसे रब्ता किया फॉर द वॉलंटियरशिप। सो इंशाल्लाह वी विल कीप ऑन परसुइंग यू फॉर वॉलंटियर्स ऑल्सो, आगे भी हमारे इवेंट्स होने हैं तो आपको ज़रूर उसमें हम अकोमोडेट करेंगे। सो वंस अगेन प्लीज़ टू कम 23rd March वेस्टडेल स्कूल मेन स्ट्रीट हैमिल्टन। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया नजम भाई, सदफ साहिबा आप तशरीफ़ लाए। एक मरतबा फिर मैं नाज़रीन से ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और ये प्रोग्राम इन हालात में, जिन हालात में ये प्रोग्राम हो रहा है, जिस पे हमारी पूरी दुनिया हम पे नज़र रखे हुए है, हमने इत्तेहाद और जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के जो तीन थे, इत्तेहाद यकीन मोहकम अख़ुवत, हम इन पे अमल पैरा होंगे तो हमारी कामयाबी है। हमारी कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी है और पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं है तो हम कुछ नहीं हैं। उन लोगों से पूछिए जिनके पास मुल्क नहीं है। जिन्ना कल्चरल सोसाइटी ऑफ हैमिल्टन जो प्रोग्राम कर रही है, आप जोग दर जोग तशरीफ लाएं, उसमें पार्टिसिपेट करें, लोगों से मिलें और ये शो करें कि हम एक हैं। नाज़रीन, आपकी मोहब्बतों और दुआओं के साथ लियाकत नवाज़ मलिक मुलाकात से इजाज़त चाहता है।
इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक नए प्रोग्राम और नए मेहमान के साथ हाजिर खिदमत होऊंगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद, कनाडा पाइंदाबाद।